हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ फातिह मॉस्क, और मेरे साथ हैं जुनैद भाई। जुनैद भाई इस्तानबुल में रहते हैं, और जुनैद भाई फोर सीजन के अंदर काम करते हैं। और जुनैद भाई, आपको कितना टाइम हो गया इस्तानबुल में? दो साल हो गया। दो साल से फोर सीजन होटल में जॉब करता हूँ। फोर शेफ एज ए शेफ ये फोर सीजन होटल में जॉब करते हो, और इनको दो साल हो गया। तो आज जुनैद भाई के साथ जा रहे हैं, और जुनैद भाई फिलहाल अभी हमारे साथ ही रह रहे हैं घर में। तो और जुनैद भाई बहुत अच्छी डिशेज भी बना रहे हैं हमारे लिए अभी इन दिनों इस्तानबुल के अंदर, वो भी तुर्की में इंडियन फूड। वाह क्या बात है। और अभी हम लोग बाहर निकले हुए हैं, हम लोग फातिह की तरफ जा रहे हैं। तो फातिह में एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है, मॉस्क, सुलेमानी मॉस्क उसका नाम है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा है। आपने देख रहे होंगे जैसे मैंने कितने सारे वॉर्म कपड़े पहन रखे हैं, क्योंकि बहुत ठंडे स्नो हो रही है यहाँ पे। आज के बाद कल की बात कर रहा हूँ मैं, तो कल से यहाँ पे कंटिन्यूसली पूरा एक हफ्ता स्नो गिरेगी। तो ट्राई करेंगे कि मैं और जुनैद भाई मेरे साथ रहेंगे, तो हम बिल्कुल आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं फातिह मॉस्क। तो मैं अभी पहुंच गया हूँ, ये है इस्तानबुल यूनिवर्सिटी। इस एरिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इस्तानबुल, और बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो फिलहाल अभी मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकता, क्योंकि काम चल रहा है अभी। तो किसी टाइम आपको अंदर लेके चलूँगा, और अंदर से बताऊँगा ये कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये मैं आपको बताऊँगा, ये लोग आप वहाँ देख रहे हैं वहाँ से लेके, और ये वो इसका बैक साइड वहाँ तक, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको फातिह ले चलता हूँ, और ये फातिह तक है ये यूनिवर्सिटी। सुलेमानी के अंदर एंटर हो गया हूँ, और मैं आपको लेके चलता हूँ एंट्रेंस की तरफ, जो मेन एंट्रेंस है, मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। आ जाइए। ये इन्होंने बैठने के लिए गार्डन एरिया बना रखा है, क्योंकि अभी बंद कर रखा है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्नो और बारिश हो रही है, तो गीला है ये, तो इसलिए इन्होंने बंद कर रखा है, कोई बैठे ना अभी। और मैं आ गया। अभी मैं एंटर हो गया हूँ फातिह मॉस्क के अंदर की साइड। सो मैं हूँ अभी अंदर, और ये है फातिह मॉस्क। तो मैं आपको बता दूँ, बहुत ही पुरानी मस्जिद है, और आप देख सकते हैं कि इसको देखने भी टूरिस्ट आते हैं। तो और ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत ये मस्जिद बनाई हुई है। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की साइड, और बताता हूँ वो वाली साइड से। लोग बाग नमाज भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर। और यहाँ के कारपेट का तो कोई जवाब ही नहीं, ये लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कारपेट यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं कितना अच्छा ये कारपेट है, क्योंकि तुर्की में कारपेट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भी करते हैं ये लोग, और कारपेट की मैन्युफैक्चरिंग भी इन लोगों के पास। तो हर मस्जिद में बहुत ही खूबसूरत ये कारपेट बिछाते हैं।
इस वक्त में हूँ फाती बाज़ार और ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग पैदल चल के आए हैं और स्नो भी हो रही है, तो मैं आपको आगे तो जिस बाज़ार के बारे में मैं आपको बता रहा था, मैं अभी उस बाज़ार में हूँ और ये फाती में स्पेशली बुध को लगता है ये बाज़ार, बुधवार बाज़ार। तो ये देखें आप, मैं आगे और ये स्पेशली बुधवार को ही लगता है ये बाज़ार फाती के अंदर। और यहाँ पे बहुत ही सस्ता सामान आपको बहुत ही सस्ती प्राइस में हर सामान मिल जाएगा, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, कपड़े और जैतून, ओलिव, यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ता मिल जाएगा। तो मैं आपको आगे की साइड कैमरा करके बताता हूँ कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं और शॉपिंग कर रहे हैं एक साथ। तो ये देखें, यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, माई ब्रदर सेलिंग ड्राई फ्रूट एंड खजूर और अंजीर भी आपको मिल जाएगी। और ये देखें, मोस्टली यहाँ पे जो बाज़ार में ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मोस्टली हर तरीके के लोग कर रहे हैं, बट ज़्यादातर अरबिक सीरियन लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये देखें आप कितना रश है, क्योंकि बहुत ही सस्ता बाज़ार है, बुधवार बाज़ार है। ये फाती में वीकेंड बाज़ार है, बुधवार बाज़ार। तो ये बहुत ही सस्ता बाज़ार है अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो, ये फाती के अंदर है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत सस्ती प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेलकॉन बटन ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो गाइस मिलते हैं मेरी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय, अल्लाह हाफिज़।